लिए बैरान रेडी या बैरान बलूच करेंगे। मैं अपने आप से क्यों शुरू नहीं करता हूँ, मैं क्यों नहीं कहता हूँ कि मेरी बेटी कल या इस जगह पर होनी चाहिए। मैं अपने लोगों के लिए मंजूर में बड़ी सी बात कही ना कि मास्क लगाए बगैर मैं लोगों को कहता हूँ कि मास्क लगाए, लोग नहीं मानेंगे। खातून को खड़े कर किए बगैर मैं खवातीन के मसले कैसे डिस्कस करूँगा। मैं कहता हूँ कि आपकी भी बेटी आनी चाहिए, आपकी बेटी आनी चाहिए, मेरी बेटी घर में रहनी चाहिए। मैं अपनी बेटी को अलाउ नहीं करता। अगर बहुत ज़्यादा मैं सेकुलर मॉडल में हो गया हूँ तो मैं कहता हूँ फिर उसको SBK में पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ लड़कियों की यूनिवर्सिटी है। आज SBK में अगर 13-14-15 हज़ार लड़कियाँ पढ़ रही हैं, इस पर मैंने आर्टिकल लिखा था। इसका मतलब ये है कि SBK बनने से पहले हम हर साल 5,000 लड़कियों को घर पर बैठा रहे थे। आज भी हम ये सोच रहे हैं कि म्यूटो में बच्ची को नहीं भेजेंगे, आज भी हम सोच रहे हैं भरोसा यूनिवर्सिटी में बच्ची को नहीं भेजेंगे। आज भी क्या वजह है कि आपको, मैं बड़ी हैरत होती है कि खवातीन के साथ मर्दों को बाजार में शादी करते हुए देखता हूँ। अलाव करें उनको, वो आप एम्पावर कैसे करेंगे? आज भी आप कहते हैं कि बच्ची ने अगर नौकरी करनी ठीक है, वो टीचर बने सिर्फ निकलना पड़ेगा आपको, आपको अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हम अभी भी इंतजार में बैठे हुए कि कहीं से कोई कहेगा, ईरान से कोई कहेगा, कोई अफगानिस्तान से कहेगा तो हम चेंज करेंगे। हम अपने घर से चेंज क्यों नहीं लाते? हमें किस चीज़ का डर है, हमें किस चीज़ का खौफ है? जब हम बात करते हैं कहते जी वो तो आप इसकी एडवांस कंट्रीज की बातें कर रहे हैं, हर एक दोस्त के मोबाइल में आईफोन अब भी मौजूद है। कोरिया में मोबाइल बनता है वो हमारे जेब में अगले देना होता है, जापान में गाड़ी आती है अगले दिन बजाय सड़कों पर घूम रही होती है। लेकिन जब कहो कि ये करें कहते थी आप क्या अमेरिका और यूरोप की बातें कर रहे हैं। जहाँ हमारा अपना फ़ायदा होता है हम उन चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, जहाँ हमारा फ़ायदा नहीं होता, जहाँ हमें एक हमारा सो कॉल्ड जो खौफ है, हमारा डर है, अपने आप से डर है, अपने आप से जो हमारा खौफ है उसको तोड़ना पड़ेगा। पर जो आपने डिस्कस की मसला इनका हल करना कोई मसला नहीं। MPA का जब उनसे रब्ता किया जाता है तो या तो बिजी होती हैं या उनके पास शायद उनकी प्रायोरिटी भी नहीं होती। ये सब सोशल सेक्टर से लेके एक खातून का इन्होंने ही मुझे नंबर दिया, बल्कि उन्होंने बताया कि इस पर उनके हैं, उनका उनके एफर्ट्स हैं। मैं उनसे रब्ता करता हूँ, वो स्टोरी जो ईद से पहले होनी थी अब तक पेंडिंग है खातून की वजह से। तो आप लोग एक्शन प्लान के तहत मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप लोगों का नेटवर्क है जो कलेक्टिवली आप लोग काम कर रहे हैं, दो लोगों को नॉमिनेट करें, सिर्फ दो लोगों को, एक मेल एक फीमेल। कोई भी जर्नलिस्ट, आज मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा, कोई दोस्त मुझसे पूछेगा कि मैं किसी खातून इशू पर काम कर रहा हूँ, किस इंटरव्यू करूँ, तो मैं बता सकूँ या आप लोग ही बता सकें कि ये हमारे दो मेन बंदे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, वो इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हों। हमें डेटा चाहिए होता है, जैसे आपने मिसाल दी एक गायनेकोलॉजिस्ट की, तो अगर मुझे अब इतने सारे हैं, मुझे तो नहीं पता कि किसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं या किस ज़्यादा कनेक्टेड लॉज के साथ भी, तो ज़ाहिर आप लोग ही हमें बताएंगे। सबसे पहले जो गवर्नमेंट से बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो है मैं समझती हूँ कि एक जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और ये जो है काबिल तारीफ चीज़ है कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे और खवातीन के इशूज़ में हमारा ताल्लुक करके संबंधी जिस मुल्क से है जैसे पाकिस्तान से है, जहाँ पर खवातीन के हालात और उनके जो राइट्स और चीज़ें हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस सारी चीज़ें हैं, वहाँ खवातीन के लिए साजगार नहीं माहौल हमारे मुल्क में, उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे खवातीन के ऊपर जुल्म, बर्बरियत, ज़्यादतियाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनमें हमारा मुल्क शामिल है। लेकिन बात ये है कि अभी क्या करना है हम लोगों ने, इतने सारे हम कर रहे हैं, इतने सारे सेमिनार करते हैं, आगाही देते हैं, सारी चीज़ें, हम कहते हैं एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, नहीं बात ये नहीं है। एजुकेशन अवेयरनेस जितना हम समझते हैं कि इस्लामाबाद में ही कहीं और नहीं है, वहाँ पे भी खवातीन कत्ल हो रही हैं,